देखिए हमारा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि लेट एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ ए बी, मीन्स एफ आर इंटीग्रेबल है, एंड लेट एम एंड एम जो है मीन्स स्मॉल एम और कैपिटल एम बी द बाउंड्स ऑफ एफ ऑन ए बी। देन मीन्स क्या हुआ कि ये हमारा इन्फिमम हो गया, ये हमारा सुप्रीमम हो गया, किसमें ए बी में है। देन हमें दो कंडीशन प्रूफ करना है, ठीक है। नंबर वन क्या है कि एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ओ पैक्स इंटू डी एक्स, और ये लेस देन इक्वल टू एम ओ बी माइनस ए, ठीक है। ये प्रूफ करना है कब, इफ ए लेस देन इक्वल टू बी रहेगा तब, और सेम यही प्रूफ करना है कब, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर होगा, ठीक है। सेम यही रहेगा लेकिन ग्रेटर होगा जब होगा बी लेस देन इक्वल टू ए रहेगा तब, ठीक है। तो कैसे इसका प्रूफ होगा देखिए, क्या करेंगे कि लेट सबसे पहले मान लेते हैं कि ए जो हमारा है वो लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है। ए मान लेते हैं लेस देन इक्वल टू बी, फर्स्ट वाला कंडीशन, ए लेस देन इक्वल टू बी। देन एफ जो हमारा है वो बाउंडेड फंक्शन है, तो लिखेंगे लेट एफ बी अ बाउंडेड बाउंडेड फंक्शन ऑन किस में होगा, ए बी इंटरवल में बाउंडेड फंक्शन है। एंड मानते हैं लेट पी जो हमारा है वो हमारा पार्टीशन हो जाता है, एंड लेट पी इक्वल टू देखिए यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू ए एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर, और ये हमारा एक्स एन इक्वल टू बी बी द पार्टीशन। पार्टीशन ऑफ किसका, ए बी का पार्टीशन है हमारा, ठीक है। देन तो दस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट देखिए क्या होता है कि एक हम थ्योरम करवाए हुए थे, ठीक है। तो थ्योरम हमारा क्या था, वी नो दैट, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एम बी माइनस ए होता है वो लेस देन इक्वल होता है एल ऑफ पी, और ये लेस देन इक्वल होता है यू ऑफ पी, और ये लेस देन इक्वल होता है कैपिटल एम बी माइनस ए, ठीक है। ये होता है, ठीक है। इसे इक्वेशन हम वन कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन ये हमारा वन कंसीडर हो गया, ठीक। इसे हम इरेज करते हैं, इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस बनेगा। देखिए इक्वेशन वन हो गया, वेयर स्मॉल एम एंड कैपिटल एम जो होता है वो हमारा क्या है, आर बाउंडेड था, आर बाउंडेड बाउंडेड ऑफ किस में, एफ ऑफ बिलोंग्स करेगा आर ऑफ ए बी में, मीन्स ये हमारा इंटीग्रेबल में, ठीक है। मीन्स वो सकते एफ ऑफ सॉरी एफ आर इंटीग्रेबल तो है ही, लेकिन एफ ऑन ए बी में, ए बी में हमारा करेगा, ठीक है। जिस इंटरवल में करता है, बाउंडेड रहता है, ठीक। देन सिंस एफ इज आर इंटीग्रेबल, जो कि वहाँ पहले लिख चुके थे, वो हमारा यहाँ पे लिखाएगा कि एफ जो हमारा रहेगा वो आर इंटीग्रेबल रहेगा। दैट इज क्या हो जाएगा कि एफ बिलोंग्स करेगा आर ऑफ ए बी में, मीन्स यही लिखेंगे, ठीक है। आर इंटीग्रेबल मीन्स ये होता है, ठीक। तो देयरफॉर वी हैव क्या होगा हमारे पास, तो आर इंटीग्रल मीन्स क्या होता है कि लोअर रामन इंटीग्रल अपर रामन इंटीग्रल बोथ आर इक्वल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लोअर रामन इंटीग्रल इक्वल टू यहाँ पे अपर रामन इंटीग्रल, और इसी को लिख सकते हैं कॉमन डिनोशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या कि आर इंटीग्रेबल हुआ, ठीक। देन हेंस देखेंगे क्या कि हेंस लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। लिस्ट अपर बाउंड किसका, तो एल ओ पी का, ये इस चीज का, ठीक है। लिस्ट अपर बाउंड इक्वल टू मीन्स क्या कि लोअर हम इंटीग्रल जो हमारा लिस्ट अपर बाउंड इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा जी एल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो कि हमारा यू पी का निकलता है, इस इंटरवल का निकलता है।
तो ये दोनों मीन्स हो गया क्या कि यही दोनों, ठीक है, तो इसका वैल्यूज हमारा ये और इसका वैल्यूज हमारा ये, दोनों बहुत सारे इक्वल्स होते हैं, ठीक। तो ये जो हमारा हो जाएगा इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसे सिंपली क्या, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स फॉर ऑल पार्टीशन पार्टीशन पी ऑफ ए बी, हेंस फ्रॉम वन वन, जो हम इक्वेशन वन लिए थे वहां से क्या हो जाएगा, वी हैव इक्वेशन वन से तो एम बी माइनस ए, ठीक है। और ये हमारा क्या है कि लेस देन, लेस देन इक्वल क्या था हमारे पास, वहाँ पे एल पी था, ठीक है। तो एल पी मीन्स क्या हो जाएगा, ये हमारा जो टर्म्स है तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि लिस्ट अपर बाउंड, किसका, एल पी इस चीज का, ठीक। और ये हमारा लेस देन इक्वल टू जी एल बी, और ये हमारा यू पी का, और ये हो जाएगा लेस देन एम बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि एम बी माइनस ए ये इम्प्लाइज करेगा, एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू, तो ये दोनों मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है, देखिए यहाँ पे आर एन टी के बाद दोनों आपस में इक्वल, और इसका वैल्यूज हम ये लिख सकते हैं सिंपल कॉमन जो रहता है वो, तो यहाँ पे कॉमन लिखेंगे तो ए टू हमारा बी हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिख देंगे जो कि लेस देन इक्वल टू होगा एम बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो ये एक्चुअली में क्या करना था, यही मैं एक्चुअली में निकालना था क्या, तो ये हमारा निकल गया, ठीक है। कब निकला, इफ ए जब लेस देन इक्वल टू बी रहेगा तब, ठीक है, ए छोटा रहेगा बी से तब हमारा ये वैल्यू निकल गया। अब सेकेंड में क्या करना है कि ये हमारा ग्रेटर होना चाहिए, सिंबल जो हमारा है वो अपोजिट होना चाहिए, देखिए इधर होना चाहिए था, ग्रेटर होना चाहिए था, और क्या हो कि बी जब रहेगा लेस देन इक्वल ए से तब, ठीक। तो देखिए इसके बाद लिखते हैं हम, ये हमारा वन प्रूफ होता है, वन प्रूफ हो गया, ठीक है। देन देखेंगे इफ सेकेंड नंबर में बी जब लेस देन इक्वल टू ए रहेगा, दैट इज क्या हो जाएगा कि ए यहाँ पे बड़ा है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्योंकि सिंबल हमें इस तरीके से चाहिए तो हम इस तरीके से हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक। देन देन एज बिफोर, पहले देखिए जो हमारा निकला हुआ है उस हिसाब से क्या होगा कि एम ए माइनस बी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी माइनस ए था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी बड़ा था और ए छोटा था, यहाँ पे ए बड़ा है और बी छोटा है, मीन्स क्या हो जाएगा कि ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, बी बाद में आया, और सिंबल जो रहेगा वो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि सेम ऐसे ही कर रहे हैं हम, जो ये हमारा निकला ना तो उसी टाइप का कर रहे हैं, बस ए और बी का चेंजेस हो गया, प्लेस पे चेंज हो गया, देखिए, ठीक है। तो प्लेस ओनली फॉर चेंज करेंगे, बाकी सिंबल सारा सेम रहेगा और लिखा हुआ भी सेम रहेगा सब। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ये हमारा हो जाएगा कैपिटल एम और ए माइनस बी हो जाएगा क्या, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमें क्या करना है कि ये ग्रेटर देन बनाना है, तो ग्रेटर देन बनाएंगे मीन्स हमारा क्या हो जाएगा कि ये हम सारे नेगेटिव में ले लेंगे, नेगेटिव में जैसे ही लेंगे तो ये हमारा क्या होगा कि b माइनस ए हो जाएगा, ये b माइनस ए हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। और ये हमारा ग्रेटर देन, सिंबल हमारा चेंज होगा, क्योंकि सारे में नेगेटिव ले रहे हैं, सिंबल हमारा चेंज होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि देखिए एम बी माइनस ए नेगेटिव लिए, ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा नेगेटिव ले सकते हैं, नेगेटिव में ये हो गया, ठीक है। और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एम बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक। अब नेगेटिव को हम हटा सकते हैं, नेगेटिव को इजीली हटा देंगे और यहाँ पे ये इम्प्लाइज करेगा एम बी माइनस ए और ये ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स एम बी माइनस ए, ये हमारा होता है प्रूफ। हमें सेकेंड में भी यही प्रूफ करना था तो सेकेंड में हम प्रूफ कर दी, और यहाँ पे लिख देंगे इफ बी लेस देन इक्वल टू ए, ये होता है हमारा प्रूफ, देखिए दोनों निकल गया हमारा, यही हमें प्रूफ करना था जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं वन और टू, ठीक।